सत्य को खोजने वाले सर्व आत्माओं को हमारा प्रणिपात। आज मैं सोच रही थी कि कौन सी भाषा में आपसे वार्तालाप किया जाए, तो यही सोचा कि मराठी में। पहले बहुत बार पुणे में भाषण हुआ था, आज हिंदी में ही भाषण दिया जाए, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और मेरी भी मातृभाषा मराठी है, किंतु हिंदी भाषा सीखना मैं सोचती हूँ परम आवश्यक है। और इसलिए आप लोग मराठी प्रेमी लोग मुझे उदार अंतःकरण से क्षमा करें। और हिंदी बोलने वाले लोग जो साहित्यिक हैं वे भी मुझे क्षमा करें अगर कोई त्रुटियाँ हो जाए तो। किंतु सबसे पहले जान लेना चाहिए कि भाषा तो हृदय की होनी चाहिए। जहाँ भाषा हृदय की न होते हुए सिर्फ शब्द जाल होती है, तब हर तरह के जंजाल खड़े हो जाते हैं। इसलिए कोई सी भी भाषा जो हृदय से निकलती है वही मार्मिक होती है, उसी का असर भी होता है। हम लोग सत्य को खोज रहे हैं अनेक वर्षों से, आज ही की ये बात नहीं है, अनेक वर्ष से हम सत्य को खोज रहे हैं। और उसकी खोज होते होते काफ़ी लोग भटक भी गए हैं। उसका कारण हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि आज की जो स्थिति है, आज का जो माहौल है, वातावरण है, उस वातावरण में ये समझ में नहीं आता है कि सब लोग परमात्मा की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, और उस पर इतना झगड़ा, इतनी आफत और इतना तमाशा क्यों खड़ा करते हैं। यह प्रश्न ज़रूर हमारे जो तरुण पीढ़ी के लोग हैं उनके सामने आता है, और वो लोग ये पूछते हैं बार बार कि माँ इसका क्या मतलब है। अगर ये परमात्मा सच्चाई है, परमात्मा अगर प्रेम है और परमात्मा अगर कृपा, तो ये सब तो लगते नहीं कि इन पे कोई परमात्मा की कृपा है या इन पे कोई परमात्मा का असर भी है। तो ऐसे परमात्मा से अच्छा है कि भूल ही जाए उसको जिसने कितनी आफत मचा रखी है। इस प्रकार आज आप देख रहे हैं कि एक बड़ा द्वंद्व हमारे तरुण लोगों में, हमारे जवान लोगों में खड़ा हो रहा है कि जो परमात्मा परमात्मा की बात है इसे किस तरह से माना जाए। चाहे आप माने या न माने, परमात्मा है, ये मानने न मानने की बात नहीं, जो अस्तित्व है वो रहेगा चाहे आप माने या न माने। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि जिसकी वजह से मनुष्य ऐसे गलत रास्तों पे चला जाता है जहां परमात्मा खोजने से भी नहीं मिलता। ये समझने की अगर हम कोशिश करें तो कहां हमारी गलती हो गई ये हमारे दिखाई देगी। अब सहज योग जो है, सहज, सह माने आपके साथ, ज माने जन्मा हुआ, जो आपके साथ जन्मा हुआ योग का कार्यक्रम है, जो आपके लिए योग की युक्ति है। इतना ही नहीं, एक आपके लिए आश्वासन है, वो सिद्ध करने का आज समय आ गया है। सहज योग ये कोई आज का काम नहीं, हजारों वर्ष पहले भी इंद्र को आत्म साक्षात्कार दिया गया था, आत्मज्ञान दिया गया था, तब भी सहयोग था। और उसके बाद आपने देखा है मार्कंडेय स्वामी ने, जो कि 14,000 वर्ष पूर्व इस संसार में आए थे, उन्होंने भी सहज की महती बताई है। लेकिन ये बात बहुत खोल करके कही नहीं गई। उसके बाद बहुत सालों बाद, बहुत बहुत सालों बाद हम कह सकते हैं कि इसको खोल कर पहले ही आदिशंकराचार्य ने सब सर्व समाज के सामने रखा, तो भी ये नहीं कहा गया कि ये चीज़ होती कैसी, पूरी तरह से बात नहीं कही, क्योंकि वो समा नहीं था। कृष्ण ने भी कहा कि आपको आत्मा को जान लेना चाहिए, जिसने आत्मा को जाना वही समझ सकता है। क्राइस्ट ने भी यही कहा कि आपका पुनर्जन्म होना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महावीर ने कहा, सब ने ये कहा कि आपका पुनर्जन्म होना चाहिए। लेकिन इस बात को खोल करके आदि शंकराचार्य ने बताया कि इसके सिवाय कोई और इलाज आपका नहीं है। जब तक आपके अंदर से चैतन्य की सौंदर्य लहरियां नहीं बहेंगी, तब तक सलीलम सलीलम, उन्होंने कहा, तब तक ये शब्द जाल छूट नहीं सकते। लेकिन सबसे ज्यादा मैं कहूं कि नानक साहब और कबीर दास जी, इन लोगों ने तो पूरी तरह से कोशिश करके और जो सत्य उसे सामने रखा कि कुंडलिनी के जागरण के सिवा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। लेकिन उनका बोलने का ढंग इतना जबरदस्त और इतना जोर का था कि लोग उसे समझ नहीं पाए। वो
और यही बात मैंने महसूस की कि इस दुनिया में जब तक लोगों को आप आत्मज्ञान नहीं देंगे, उसकी बातचीत करना बड़ा बेकार सा हो जाएगा। जैसे गीता लिख दी, वो लोग पढ़ पढ़ के बेकार हो गए। उसके बाद और कोई ज्ञान की बात लिख दी, जिसे पढ़ पढ़ के लोग बेकार हो गए। लेकिन अब जो बात है वो करने की, दिखाने की, बतलाने की नहीं रही। और वही बात सोच करके मैंने इस पर बहुत जानने की कोशिश की कि मानव में कौन से दोष होते हैं, इसमें कौन सी तकलीफें होती हैं जिसके कारण ये परमात्मा को नहीं जान पाता है। और काफ़ी उम्र तक इस पर मेहनत करने पर एक दिन सहज में ही मैंने सोचा कि शस्त्रार के खोलने से ही सब ठीक हो जाएगा, और उसी प्रकार ये सहयोग हमारा प्रस्थापित हुआ है। अब इसमें जान लेना चाहिए संक्षिप्त में कि ये जीवंत प्रक्रिया हमारे अंदर है, जीवंत। जैसे कि हम एक अमीबा से इंसान बने हैं, उसी तरह से आज इंसान से हमें अति मानव बनना है, और वो भी एक जीवंत क्रिया से होने वाला। उसमें कोई सी भी नकलियत नहीं है कि जो शब्द जाल से हो जाए, कुछ सर पे खड़े होने से हो जाए, कपड़े बदलने से हो जाए, या बाह्य की चीज़ें छोड़ देने से हो जाए, ये तो अंदर की प्रक्रिया है। जैसे बीज आप उगाना चाहते हैं, उसमें अगर अंकुर आना है तो उसे आपको माँ के हृदय में डालना होगा, उसको इस पृथ्वी के पेट में डालना होगा, और वो अपने आप अकस्मात सहज में ही अंकुरित होता है। कैसे होता है क्या आप बता सकते हैं? एक फूल फल कैसे होता आप बता नहीं सकते। इसी प्रकार सहज योग जो है वो भी एक अद्भुत घटना जरूर है, लेकिन ये किस प्रकार होती है ये हम बता सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के जितने भी कार्य हैं वो सब ज्ञात होने चाहिए। और इसलिए आप जान सकते हैं कि अपने अंदर जो कुंडलिनी स्वरूपा शक्ति है, जो त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई है, वो जागृत होने से ही आत्मबोध होता है। आश्चर्य की बात है कि गीता पर, गीताई लिखते वक्त में ज्ञानेश्वरी जो है वो गीता ही पर लिखी हुई है पूर्णतया। ज्ञानेश्वर जी ने 6वें अध्याय में कुंडलिनी का बड़े जोर शोर से व्याख्यान किया हुआ है, उसको बतलाया हुआ है, समझाया, उसका वर्णन भी बहुत सुंदर किया, बहुत ही सुंदर किया हुआ है। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया है कि जिस वक्त ये कुंडलिनी का जागरण होगा तब किस तरह से लोगों को लाभ होंगे। उसमें से एक बहुत ही सुंदर चीज़ यह है कि जो जे वांछिलते तो लाहो, जो चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन चाहत ही इंसान की बदल जाती है, उसके चाहने का ढंग ही बदल जाता है। अब ये कुंडलिनी हमारे अंदर स्थित है। अब कोई अगर साइंटिफिक लोग हैं तो वो कहेंगे कि साहब ये कैसे आपने जाना। अब हम जानते हैं, आप चाहें तो इस बात को माने या न माने, लेकिन एक बात है, अगर आप साइंटिस्ट भी हैं तो आपको अपना दिमाग खुला रखना चाहिए, ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए। अगर आप ओपन माइंडेड नहीं है तो आप कभी भी साइंटिस्ट हो नहीं सकते। हम एक आपके सामने कहना चाहिए कि जिसे एक धारणा, एक हाइपोथेसिस रख रहे हैं, उसको अगर हम सिद्ध कर दें तो फिर वो तो कायदा हो ही जाता है। इसी प्रकार कुंडलिनी भी जरा गहरी चीज है, और उस गहरी चीज को पाने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को खुला रखें। पहले ही से आप डंडा लेकर खड़े हो जाइएगा तो हम आपको क्या बताएंगे। मैंने ये देखा हुआ है कि सिर्फ परमात्मा के साम्राज्य में ऐसे कार्य होते हैं। देखिए, अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आप एडमिशन के लिए कितनी कोशिश करते हैं, क्या क्या दुनिया भर के आफ्ते करके एडमिशन कराते हैं, एडमिशन लेते हैं, और अपने गुरुजनों के सामने गर्दन झुका के बैठते हैं कि वो जो भी कहे वो प्रमाण होगा। लेकिन मैंने देखा है कि संसार में जितने बड़े बड़े साधु संत आए, उनको तो हम लोगों ने सताया है, उनकी तकलीफ दी, उनकी कोई बात नहीं सुनी, और उनको परेशान करते रहे, और हर समय उनसे चर्चा और वाद विवाद करके उनको परेशान किया। इस तरह से आप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान के लिए सबसे पहले चीज है कि मैंने अभी तक जाना नहीं, मुझे आगे जानने का है, जिसके ऊपर सब बड़े बड़े शास्त्रों में सब बड़े बड़े साधु संतों ने लिखा हुआ। रामदास स्वामी को आप उठाइए तो उन्होंने साफ लिख दिया कि पढ़ पढ़ करके कुछ नहीं होने वाला। हमारे कबीरदास जी ने तो साफ लिख दिया कि पढ़ी पढ़ी मूर्ख पंडित मूर्ख भए, साफ साफ लिख दिया उन्होंने। और कितनी ही बातें इन साधु संतों ने इतनी साफ लिखी हुई है कि बड़ा आश्चर्य होता है कि हम उनको ही पढ़ के उन्होंने जिस चीज को मना किया है वही कैसे करते।
अब उसका कारण मैं आपसे बताऊंगी कि क्यों ऐसा हो जाता है और इसके कारण कैसे हमारा जो धर्म है वो किसी तरह से अधर्म में ही परिवर्तित हो जाता है। अब कुंडलिनी शक्ति जो है ये है शुद्ध इच्छा, ये है शुद्ध इच्छा, माने बाकी जितनी भी इच्छाएं हैं अशुद्ध हैं, क्योंकि अगर वो अशुद्ध नहीं होती तो एक चीज मिलने पर दूसरी चीज मिलने की इच्छा ना होती। हमारे जो इकोनॉमिक्स के लॉज हैं, अर्थशास्त्र के जो लॉज हैं, उसके अनुसार कोई सी भी ज़रूरतें सर्वसाधारण तरह से पूरी नहीं होती, क्षमित नहीं होती हैं। माने ये कि इन जनरल दे कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, इन जनरल इसका मतलब ये है कि आपको एक चीज़ मिल जाएगी इन पर्टिकुलर, लेकिन अगर वो चीज़ मिलने के बाद आप चाहेंगे कि दूसरी चीज़ मिले, फिर तीसरी चीज़ मिले, इसकी वजह यह है कि आपके अंदर शुद्ध इच्छा नहीं है। जिस इच्छा की आप बहुत कोशिश करते हैं कि पूरी हो जाए, वो इच्छा शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध इच्छा। तो शुद्ध इच्छा की जो शक्ति है वो ये कुंडलिनी है, जिसने सारा अपना ये पिंड बनाया और उसके बाद वैसी की वैसी बैठी हुई, क्योंकि वो अभी तक जागृति नहीं हुई, हमारे अंदर उसका अभी पूरी तरह से प्रादुर्भाव नहीं हुआ, उसका मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ कि वो अपना असर दिखा। यही शुद्ध इच्छा हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई, जिसे हम लोग कुंडलिनी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 3.5 कुंडलों में बैठी है। अब वो 3.5 में क्यों बैठी, उसका क्या गणित है वगैरह, उसके लिए आज अपने पास इतना समय नहीं है, लेकिन आप अगर मेरे कभी लेक्चर सुने तो उसमें विशद रूप से मैंने सब समझाया हुआ है। अब ये कुंडलिनी शक्ति है शुद्ध इच्छा। तो सर्वप्रथम शुद्ध इच्छा जो है वो हमारे अंदर जब उठती भी है तो हम क्या देखते हैं कि हमारे अंदर चक्रों से गुजरते वक्त वो चक्रों से अपने को अलिप्त रखते हुए पूरे तरह से उसको प्लावित करती है। और यही तार्किक दृष्टि से भी देखा जाए तो सही बात है कि जब एक पेड़ के अंदर उसके अंदर का रस, उसका सैप जब उठता है, अगर वो एक जगह कहीं भी चिपक जाए और किसी भी एक चीज में खत्म हो जाए तो वो पेड़ भी खत्म हो जाएगा और वो चीज भी खत्म हो जाएगी। उसी तरह से जब ये कुंडलिनी हमारे अंदर जागृत होती है और बढ़ने लग जाती तो ये शुद्ध इच्छा बाकी की जो इच्छा है उनको दूर हटाती जाती है। लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा हमारा कार्यक्रम रहा कि जब हम धर्म की ओर मुड़े, पहले तो जब हम धर्म की ओर मुड़ते हैं या किसी भी चीज़ की ओर मुड़ते हैं तो पहले हमारा उनसे शारीरिक रिश्ता जुड़ जाता है। हम लोग ये देखते हैं कि इससे शारीरिक या जड़ चीज़ें क्या मिल सकती, ये देखते हैं कि जैसे ही धर्म में लोग आ जाते हैं तो पहले देखते हैं कि भाई अपने कितने इससे फ़ायदे हो सकते हैं, इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। यहाँ तक कि लोग सोचते हैं कि इससे अच्छा हो कि हम कुछ लोगों का पैसा ही मार लें, रुपया मार लें, ये कर लें, वो कर लें, और फिर धीरे 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 उसकी ऐसी चीज़ें बनती जाती हैं जो बिल्कुल घृणित और नर्क चीज जैसी हो। शरीर के और चित्त जाता है, मनुष्य का जब शरीर के और चित्त जाता है तो वो शुद्ध इच्छा में नहीं है। सीधा हिसाब है कि शरीर में, फिर शरीर के कपड़े बदलिए, नाम बदलिए, दुनिया भर की चीज़ें करिए, इससे धर्म नहीं स्थापित हो सकता। इसलिए मनुष्य बहकता चला गया। फिर मनुष्य की जो दूसरी पकड़ आती है जो कि बड़ी जबरदस्त है वो है मानसिक, माने बुद्धि पर। इस पे बड़े बड़े वितंडवादी हो गए, आप जानते हैं कि एक बड़े भारी ऐसे ही बुद्धिवादी ने कितना आदि शंकराचार्य को सताया था। हमेशा ये बुद्धिवादी लोग अपनी चिपक को नहीं समझते, इनको चिपक होती है जो इन्होंने पढ़ लिया। अगर किसी आदमी ने गीता पढ़ ली तो वो सोचता है कि मैं तो व्यास मुनि हो गया, कम से कम उनसे ज्यादा नहीं हुआ तो कम से कम व्यास मुनि तो हो ही गया हूं। किसी ने अगर बाइबल पढ़ लिया तो वो सोचता है कि ईसा मसीह मुझसे ज्यादा वो जानता है। ये जो बौद्धिक पकड़ हमारे अंदर आ जाती है उससे और भी प्रश्न खड़े हो जाते हैं। सारा ईसाई धर्म जो है आज इस बौद्धिक पकड़ की वजह से खत्म हो चुका है। आप देख लीजिए कि बौद्धिक पकड़ इनमें किस प्रकार आई, कि जिस वक्त में ईसा मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने यही कहा कि अपना पुनर्जन्म करो। तब निकोदेमस ने कहा कि क्या मैं अपने माँ के गर्भ में फिर से प्रवेश करूं? उनका कि नहीं, जो गर्भ से पैदा होता है वो तो जड़ ही है, लेकिन जो आत्मा से, जो आदि शक्ति से पैदा होगा वही आत्मा है, और आत्मा की पकड़ आए बगैर आप परमात्मा को नहीं जान सकते। लेकिन इन लोगों ने ये सोचा कि ये तो कुछ समझ में नहीं आई बात, क्योंकि उनमें से किसी को भी साक्षात्कार देना नहीं आता था, बहरहाल नहीं भी आता था तो भी उसका इतना बुद्धि का झमेला बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बुद्धि का ऐसा झमेला बनाया कि एक
सेंट पॉल करके इंसान, जो कि ईसा धर्म से कुछ उसका संबंध नहीं था, उसने ईसा को देखा नहीं था, और वो खुद एपिलेप्टिक थे और बीमार रहते थे, और हमारे हिसाब से उनमें कुछ सुपरा कॉन्शियस तकलीफें थी, वो साफ बाइबल में आके बैठ गए। जिस वक्त मैंने पहले बाइबल उठाया, मैंने कहा ये महाशय है कौन? मैंने ही नहीं, खलील जिब्रान ने, कितने ही लोगों ने, यानी आप जानते होंगे कि विलियम ब्लेक एक बड़े भारी दृष्टा हो गए, उन्होंने तक कहा कि ये इंसान बाइबल में क्यों बैठा हुआ, और इसको बाइबल में बिठा करके उसने जो भी बाइबल के बारे में लिखा वो इन लोगों ने मान्य कर दिया। अब उसकी हालत यहाँ पर आ गई है कि जिस वक्त में एक बुद्धिवादी महाशय जी ने बाइबल को जाना तो देखा कि पॉल ने ईसा के जन्म के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, उसकी माँ के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, उन्होंने जो चमत्कार किए उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो इनके जो शिष्य थे वो तो फिशरमैन थे, ये मछलियाँ पकड़ते थे, मच्छी मार थे, इनके कोई अकल ही नहीं थी, उन्होंने अपने ही दिमाग से निकाल करके बात ली। और इस बात को बिशप ऑफ कैंटरबरी जो है, आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी, उसको भी सहायता देनी पड़ी, उसको भी कहना पड़ा कि हाँ ये ठीक है, तो या तो अब आप पॉल को मानिए या ईसा को मानिए। उन्होंने कह दिया कि हाँ यही बात ठीक है, तो ईसा जो पैदा हुए थे वो भी गलत बात, और उनके जो चमत्कार हुए थे वो भी गलत बात है, पॉल साहब जो है वो सही हो गए, क्योंकि इसी पॉल ने बाद में ऑगस्टीन का जन्म लिया और उसने आकर के सारा ऐसा एक बौद्धिक तार्किक एक ईसाई धर्म बना दिया कि चाहे कुछ हाथ में बंदूक क्यों ना लेनी पड़े, सबको ईसाई बनाते रहे। ईसाई बनने का मतलब है सहयोगी बनना, योगी बनना, वही आप मुसलमानों का है। मोहम्मद साहब ने जो बातें लिखी थी उसको इतना उल्टा घुमा फिरा करके एक मुसलमान धर्म बना लिया, वही हाल हिंदुओं का है। हिंदुओं का तो हाल बहुत ही खराब है, क्योंकि इनमें एक ही धर्म में 500 धर्म बन गए, मेरी तो समझ में नहीं आता है कि हम लोग कब इस चीज से बाज आएंगे। सबसे पहली तो बात यह थी कि कहा गया है कि सबके अंदर आत्मा का वास है, फिर जाति पाति कहां से निकाली गई? जाति पाति का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि जाति पाति आपके कर्म के अनुसार बनाई गई थी, और जब से यह जन्म के अनुसार बनाई गई तब से यह गड़बड़ शुरू हो गई। हो ही नहीं सकता है कि यह जन्म के अनुसार होगी, क्योंकि जिन्होंने व्यास, व्यास ने गीता लिखी, व्यास कौन थे? सब जानते हैं कि एक ढिमरनी के लड़के थे, और वो भी शादीशुदा नहीं, क्या वो ब्राह्मण हो सकते हैं? वाल्मीकि, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखा, ये कौन थे? आपके शास्त्र लिखने वाले बड़े बड़े लोग, ये कौन थे? ब्राह्मण वो ही होते हैं जिन्होंने ब्रह्म को जाना, जिन्होंने ब्रह्म को नहीं जाना उसे ब्राह्मण नहीं कहा जाता। लेकिन जन्म से हम ब्राह्मण हो गए, चाहे जो भी धंधा करें, जन्म से हो गए सो हो गया, और अब हमारे इलेक्शंस तक जाति पाति पर होते हैं, सो भगवान बचाए रखे इस देश को, इसका क्या हाल होने वाला है? क्योंकि आप जिस जाति में पैदा हुए, जाति, जाति माने सहज, सहज जो आपके अंदर सहज है, एक का भाव है जो परमात्मा को खोजता है वो ब्राह्मण, और जो व्यापार में आनंद को खोजता है वो वैश्य है। इसी प्रकार सब जातियां बनी, और उन जातियों का इतना महात्म्य बनाया गया कि हमारे यहाँ गोरा कुंभार हो गया। इस महाराष्ट्र में तो इतनी सजग इसकी पूरी प्रतिमा बनाई हुई है, गोरा कुंभार बन गए। तुकाराम ने कहा कि अच्छा होता मैं महार हो जाता। बार बार जातिवाद पे सारे संतों ने आघात किया है, इतना ही नहीं ज्ञानेश्वर जी को सताया किसने, जो ये सब बुद्धिवादी थे, जो अपने को समझते थे कि ये बड़े भगवान के और सब चीज के ठेकेदार और धर्म के ठेकेदार हैं, उनको छल छल के उनको मारा। आज उन्हीं की ज्ञानेश्वरी लिख रहे हैं, उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, ज्ञानेश्वर जी का मंदिर बना रहे हैं। इसकी वजह ये है कि बौद्धिक पकड़ ज्यादा जरूरत थी, आत्मा की नहीं थी। आत्मा की पकड़ होना चाहिए। सारे संतों ने कहा कि अपने आत्मा को पहचान। नामदेव जो इतने बड़े भारी यहाँ के कवि हो गए हैं, इतने पहुंचे हुए पुरुष थे, उन्हें एक बहुत सुंदर सा काव्य लिखा है, जो कि गुरु ग्रंथ साहब में भी नानक साहब ने बहुत माना और उसे लिखा हुआ है, जिसका कि मैं आपको हिंदी में वर्णन बताऊं कि वो कहते हैं कि जो आदमी परमात्मा से एकाकार हो जाता है, उसकी ऐसी दशा हो जाती है कि जब उसका चित्त जैसे एक छोटा बच्चा पतंग उड़ा रहा है, पतंग आकाश में भरारी मार के, भरारी मराठी शब्द ही लिया है उन्होंने, भरारी मार करके घूम रही है, और ये बच्चा जो है औरों से बात कर रहा है, खेल रहा है, आगे पीछे दौड़ रहा है, लेकिन उस वक्त उसका चित्त उस पतंग पर। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जिस वक्त औरतें पानी भर के आ रही हैं
और जल्दी जल्दी चल रही है, आपस में बोल रही है और उनकी घघरी सर पे रखी हुई है और आपस में हंसी मजाक सब हो रहा है, लेकिन चित्त उनका उस घाघर पे सर पे। इसे समझने की बात यह है कि जो लोग धर्म की बात करते हैं, सबसे पहले उनको चाहिए कि वो आत्मा का साक्षात्कार पाए, नहीं तो उनको कोई अधिकार नहीं कि वो आत्मा का साक्षात्कार।